ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो यही है। ये जो आप देख रहे हैं धर्म चक्र, जो कि 24 तिल्लियों का है, ये चार मूर्तियां को दिखाया गया है। दलाई लामा ने कल्पना किया, उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध ऐसे बैठ कर ध्यान मुद्रा में बोधगया में तपस्या करके ज्ञान का प्राप्ति किए। ये धागा जो देख रहे हैं प्लेन, ये गवर्नमेंट देती है सिल्क बोर्ड जो है गाँव के लोगों को। और ये मंदिर स्तूप से जो डिज़ाइन लाते हैं ऐसे फूल पत्तियों का, ये जकाट देख रहे हैं, जकाट में सारी डिज़ाइन जो होल होता है पंचकाट में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी हूँ मैं सारनाथ में और आपको कराने वाला हूँ सारनाथ का फुल टूर। इस वीडियो में मैंने हेल्प लिया है टूर गाइड से, जो यहाँ बुनकर समाज के लोग हैं, जो काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस में आपको यहाँ के बारे में बताते हैं, यहाँ के हिस्ट्री को समझाते हैं। यहाँ पर पहुँचना कैसा है, अगर आप वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से ड्रॉप होते हैं, वहाँ पर आप उतरते हैं, तो वहाँ से आपको ऑटो ले लेना है आशापुर के लिए, और आशापुर से सिर्फ 10 रुपीज़ लगता है, आप यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। तो चलिए आपको कराते हैं यहाँ का फुल टूर। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ख़ास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो इस तरफ जो आप देख रहे हैं ना, वो सारनाथ का सिटी मैप है। ये कौन सी चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं, वो दामैक स्तूपा और आर्कियोलॉजिकल बुद्धिस्ट रिमेन्स वगैरह जो हैं वो आपको इन सब में देखने को मिलेगा। ये सारनाथ का थाई बौद्ध मंदिर है। अच्छा। और इसको वत थाई सारनाथ के नाम से जाना जाता है। देख रहे हो कि यहाँ लोकल गांव के लोग करते हैं, पैसा वगैरह जो फंड वो बाहर से आता है। सामने जो मूर्ति बड़ी वाली देख रहे हैं, आप सुने होंगे विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा अफगानिस्तान में था, जो बामियान बुद्धा के नाम से जाना जाता था, जो तालिबान के लोगों उसको नष्ट कर दिया। ये उसी का रेप्लिका और उसी का मॉडल यहाँ के जो आसपास के गाँव के कारीगर हैं उन्हीं लोगों ने इस मूर्ति को 10 साल में बनाया है। हाल में ही 16 मार्च 2011 में थाईलैंड के प्रधानमंत्री इस मूर्ति का उद्घाटन किए, और ये पूरा ऊपर से नीचे तक 884 पत्थर से निर्मित है, 80 फीट 9 इंच मूर्ति का ऊंचाई है। 884 पत्थर लगा हुआ है, बड़े बड़े पत्थरों को ज्वाइंट किया गया है जी। इस तरफ आप देख सकते हैं लोटस, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो है आप देख रहे हैं वो थाई टेम्पल है। ये जो आपको रिप्लिका दिख रहा है, ये इसका जो मेन स्टैचू था वो पहले अफगानिस्तान में था और वो तोड़ दिया गया, तो उसी का जो रिप्लिका है यहाँ के लोगों ने बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो यही है। आपको नोट वगैरह में जो फोटो वगैरह में दिखता है वो यही है। ये जो आप देख रहे हैं धर्म चक्र, जो कि 24 तिल्लियों का है, ये उसी का रिप्लिका बनाया गया है। तो दोस्तों ये जो रिप्लिका आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है महात्मा गौतम बुद्ध का विशाल सा बड़ा सा स्टैचू, जिसकी हाइट की अगर बात करें तो 80 फीट प्लस 9 इंच में से बनाया गया है। और ये जो आपको दिख रहा है, इसका जो मेन स्टैचू था वो पहले कंधार में था और वहाँ पे वो उसे ध्वस्त कर दिया गया, तो उसी का ये रिप्लिका यहाँ के बुनकर समाज के लोगों ने बनाया है। यहाँ जब भी आप आएंगे तो बुनकर समाज के लोग आपको गाइड मिल जाएंगे, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस में वो आपको यहाँ की चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ का जो सूती उद्योग है, यहाँ का जो साड़ी का जो उद्योग है वो कैसे बनता है, उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन करते हैं। गौतम बुद्ध के मुख्य चार स्थान है भगवान बुद्ध के, ऊपर में दिखाया गया पहला जो कमल के फूल पर खड़े हैं बचपन में दिखाया गया, जन्म स्थान जो सिद्धार्थ के नाम से है नेपाल पड़ता है, दूसरा तपस्या कर रहे हैं बोधगया बिहार पड़ता है, तीसरा जंगल में लिए हैं 5 भिक्षुओं को, ये जगह सारनाथ है, यहाँ उपदेश दिए हैं, 16 प्रतिमा कुशीनगर जो आपका गोरखपुर पड़ता है देवरिया, जहाँ अपने शरीर को छोड़ा है 80 साल की अवस्था में। मंदिर के अंदर 5 मूर्तियाँ अलग अलग मुद्राओं के, सबसे बड़ी प्रतिमा है अभय मुद्रा। अभय का मतलब भय नहीं होना, निडर होना, भयभीत नहीं होना, ये अंदर में मूर्ति है। जाइए देखते हैं। 5 स्टैचूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और सब इनकी मुद्राएं हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वो अभय मुद्रा है, जिसमें फेयरलेस होने को दिखाया जाता है। तो ये 5 स्टैचूज जो आप देख रहे हैं वो है सारनाथ में। पूरी तरह से ये जो सारनाथ है वो डेडिकेटेड है महात्मा गौतम बुद्ध को, और उन्हीं के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में यहाँ पे चीज़ें समझाई जाती हैं। ये भूमि मुद्रा में मूर्ति है, सिंगल पत्थर की है, यहीं के कारीगर लोग जो है 80,000 में ये मूर्ति को दान में दिए हैं, और यहाँ के 40% लोग मूर्तिकार हैं,
60% लोग बुनकर है और यहाँ के जितने भी गांव के लोग हैं सब बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और बौद्धिज्म को ही अपनाए हैं। अच्छा, ये जो गांव के लोग हैं सब बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। जी हाँ, ये चार मूर्तियाँ को दिखाया गया है। दलाई लामा ने कल्पना किया, उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध ऐसे बैठ कर ध्यान मुद्रा में बोध गया में तपस्या करके ज्ञान का प्राप्ति किए। सारनाथ में उन्होंने धर्म का जो प्रचार किया धर्म चक्र मुद्रा में, अभय मुद्रा में उंगली माल डाकू जो उंगलियों काटता था पहन लेता था उनको ज्ञान दिया था। अभय मुद्रा, अभय का मतलब भय नहीं होना, निडर होना। बौद्ध में कोई माला फूल नहीं चलता है, बौद्ध लोगों का एक पूजा है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, तीन बार बोलते हैं। और दूसरा पूजा है आपका बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, नमो बुद्धाय, ऐसा बोलते हैं। इस तरफ आपको लोकल मार्केट मिल जाती है और ये जितने भी लोग हैं वो यहीं के जो लोग हैं वो स्टैचू वगैरह बेचते हैं। काफ़ी कम पैसों में आप यहाँ से स्टैचू वगैरह ले सकते हैं, तो यहाँ से आप स्टैचू वगैरह ले सकते हैं। सामने जो देख रहे हैं ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। अच्छा। इन्होंने ही सारा जगह का फाउंडर किया है, अनागारिका धर्मपाल जी। सारनाथ का रियल मंदिर आपका यही है, श्रीलंका मंदिर जो है इसका नाम है मूल गंध कुटी बिहार। यह मंदिर श्रीलंका के महापुरुष अनागारिका धर्मपाल जी 1931 में बनवाया है। इस मंदिर का ओरिजिनल नाम है मूल गंध कुटी बिहार। मंदिर के अंदर जो मूर्ति देखेंगे पूरा गोल्ड प्लेटेड किया गया है, दीवालों में भगवान बुद्ध की लाइव पेंटिंग किया गया है। जापानीज आर्टिस्ट जो है दो भाइयों ने 1932 से लेकर 1900 तक पेंटिंग किया है। इस तरफ जो आप देखने जा रहे हैं वो आप देखेंगे बोधि वृक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी, और वो जो बनियन ट्री था, जो पीपल का जो पेड़ था, उसी के नीचे वो बैठे थे। तो उसका पहला जो पेड़ था वो था बोधगया में, और बाद में उसको श्रीलंका ले जाया गया। तो फर्स्ट वाज इन बोधगया, सेकंड श्रीलंका, और थर्ड इज सारनाथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने जो पहला प्रवचन दिया था अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो सारनाथ में ही दिया था, और ये जो रिप्लिका आप देख रहे हैं वो उन्हीं शिष्यों को दिखाया गया है। यह है शांति की प्राप्ति के लिए लोग इन चक्रों को घुमाते हैं, और अगर आप एक चक्र को टच करेंगे तो आपको सारों को घुमाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह है बोधि वृक्ष। पहला जो वृक्ष था वो बोधगया में था, और उसी की टहनियों को ले जाकर श्रीलंका में लगाया गया और फिर श्रीलंका से यहाँ लाया गया। तो ये बोधि वृक्ष का तीसरा है। ये धागा जो देख रहे हैं प्लेन, ये गवर्नमेंट देती है सिल्क बोर्ड जो है गांव के लोगों को। और ये मंदिर इस रूप से जो डिज़ाइन लगते हैं ऐसे फूल पत्तियों का, ये जकाट देख रहे हैं, जकाट में सारी डिज़ाइन जो होल होता है पंचकाट में। और ये दोनों ऐसे हाथ डाल रहे हैं, दोनों तरफ से दोनों पांव डाल रहे हैं, इसी को बोलते हैं कबीर दास का ताना बाना। दोनों से कर रहे हैं, हाँ देखिए आप ध्यान। और सब व्यापारियों का ऑर्डर का माल छपा हुआ है, जितने भी व्यापारी होंगे अलग अलग स्टेट में ले जाएंगे बेचने के लिए, बनकर यहीं जमा कर देते हैं गाँव वाले। उल्टा है सीधा को नीचे, उसमें नीचे देखिए शीशे में। अच्छा, वो वहाँ पे सीधा दिख रहा है, में देखिए यहाँ पे सीधा है, वो सीधा दिख रहा है, और ये यहाँ से उल्टा है। बनारसी साड़ी का मतलब यही पहचान है।
आइए यहाँ क्या बनाते हैं, बैठ के दो मिनट यहाँ देखिए। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे आएँ तो स्पेशली जो बुनकर वगैरह जो साड़ी बनाते हैं उसे आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो हाथ पांव से काम होता है और काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में। तो जब भी आप आएँ और सारनाथ आएँ तो अपने घर के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ साड़ी वगैरह ख़रीद के जाएँ, ताकि यहाँ की यादें होती हैं। और ये जो बुनकर समाज है वो धीरे धीरे मशीनीकरण जब हो रहा है, हर चीज़ें मशीन से बनने लगी हैं, तो ऐसे समय में इन लोगों की चीज़ों को प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो जितने भी बुनकर समाज के लोग हैं वो यहाँ पे बौद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा बसाए गए हैं और हर एक को एक फिक्स सैलरी दी जाती है, और ये सारे लोग जो है वो गाइड का भी काम करते हैं और वो आपको यहाँ के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। तो जब भी आप आएँ तो किसी न किसी गाइड के साथ में आएँ, यहाँ आप देखें भी और यहाँ पे आप ख़रीदारी भी ज़रूर करें।